गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ लक्ष्मी तनवर और आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देख रहे हैं। जैसे कि नेक्स्ट टॉप, पहले हमने लास्ट टाइम वीडियो में हमने टीम क्लासेस पर सेप्रोट्रॉफ्स किया था, तो अभी हम सेप्रोट्रॉफ से थोड़ा सा टॉपिक आगे कर लेते हैं कि सेप्रोट्रॉफ्स के बाद मैंने एक्टिविटी 6 कराई थी और एक्टिविटी 6 के बाद एक्टिविटी 7 देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन। क्या इन्वेस्टिगेट करना देखना चाहते हैं, देखो ज़रा। टू ग्रो फंगस, कि आप फंगस को कैसे ग्रो कराएंगे। टेक अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, स्प्रिंकल सम वाटर ऑन इट एंड लीव इट अ मॉइस्चर प्लेस फॉर 2 or 3 days। ऑब्जर्व विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास कैन यू सी ग्रोथ ऑन द ब्रेड, दिस इज फंगस। उन्होंने बताया कि आपको एक ब्रेड लेना है, ब्रेड के ऊपर थोड़ा पानी छिड़कना है, पानी छिड़कने के बाद आपको उसको 2 या 3 दिन तक छोड़ देना है। 2 या 3 दिन के छोड़ने के बाद आपको देखना है कि क्या आपको यहाँ पर माइक्रोस्कोप में आप मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको इसको देखना है कि क्या कोई स्मॉल पैचेस आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो जो भी नज़र आ रहा है वो क्या होगा, फंगस है। एक अनदर टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं। टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स वर्क टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स। 2 different kind के ऑर्गेनिजम्स आपस में मिलकर एक साथ रहते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं और अपने म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए वो एक साथ रहते हैं, दोनों ही एक दूसरे के लिए बेनिफिटेड होते हैं। और इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये एक दूसरे मोड ऑफ टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। एरो एग्जांपल है इसका एल्गा विच इज़ इन ऑटोट्रॉफ्स। एक इन्होंने एग्जांपल दिया, एक एल्गा है, एल्गी मतलब काई जिसे कहते हैं, वो एक ऑटोट्रॉफ है, आपको पता है फोटोसिंथेसिस करती है और ग्रीन कलर की होती है। एंड फंगस, और एक फंगस विच इज़ सेप्रोफाइट, वो क्या है, एक सेप्रोफाइट है, मतलब वो डेड और डीके मैटर पर डिपेंड करती है अपने फूड के लिए। लिव टुगेदर इन लाइकन, ये किस में, मतलब एक एल्गा और एक फंगस आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे हैं, मतलब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और उस दोनों के बने हुए जो स्ट्रक्चर हैं, दोनों के मिक्सिंग से बने हुए स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, लाइकन कह रहे हैं। द फंगस सप्लाइज वाटर एंड मिनरल्स टू द सेल्स ऑफ द एल्गा। अब ये बेनिफिट कैसे हैं, बेनिफिशियल कैसे हैं एक दूसरे के लिए, इसका रीज़न देखिए। जो फंगस है वो वाटर और मिनरल्स की सप्लाई करता है सेल्स ऑफ द एल्गी, एल्गी की सेल्स को वाटर और मिनरल्स सप्लाई करता है, लेकिन जो एल्गा है वो सप्लाई करता है फूड टू द फंगस, फंगस के लिए फूड सप्लाई करता है। सच अ म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, और इस तरह के म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप को जो दोनों के लिए बेनिफिटेड हो, और ऐसे रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस न्यूट्रिशन कहते हैं। उसके बाद आपका एक टॉपिक आता है रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को कैसे रिप्लेनिश किया जाए, रिप्लेनिश का मतलब दोबारा से किसी भी बंजर भूमि में, एक जो लैंड है आपके पास, अगर उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम हो गई है, न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट कम हो गई है, तो आप उसे रिप्लेनिश करना चाहते हैं, दोबारा से गेन करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे। प्लांट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, देयरफॉर द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल गोज़ ऑन डिक्रीजिंग। मतलब जब प्लांट न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है। इन अ फॉरेस्ट दीज न्यूट्रिएंट्स गेट नेचुरली रिप्लेनिश बाय द डीकेइंग ऑफ द डेड और प्लांट एनिमल्स। लेकिन जंगलों में जो होता है बेटा, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपने आप ही नेचुरल प्रोसेस से ही रिप्लेनिश हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो प्लांट और एनिमल्स जो मरते हैं, डेड और डीके होते हैं, उनके गलने सड़ने की वजह से ही उनमें न्यूट्रिएंट्स वापस से मिल जाता है उन्हें, और खाद बन जाता है जिसे आप मैन्योर कहते हैं। हाउएवर ऑन फार्म दीज न्यूट्रिएंट्स हैव टू बी एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन। ऑन अ फार्म दीज न्यूट्रिएंट्स हैव टू बी एडेड टू द सॉइल, सॉइल से, लेकिन ऑन अ फार्म दीज न्यूट्रिएंट्स हैव टू बी एडेड टू द सॉइल। लेकिन खेत में, फार्म क्या है आपका, खेत में आपको ये सॉइल ऐड, ये न्यूट्रिएंट्स सॉइल में ऐड करने पड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। क्या डालते हैं हम उनमें, मैन्योर डालते हैं, गोबर वाला खाद, या फिर फर्टिलाइजर्स डालते हैं। दीज मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। बेटा जो ये न्यूट्रिएंट्स, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स होते हैं, इनमें क्या होता है,
इनमें एक्चुअल में नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, फॉस्फोरस होता है, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए, उनके रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है। अ फार्मर नोज विच न्यूट्रिएंट्स आर क्रूशियल फॉर विच क्रॉप्स एंड ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स अकॉर्डिंगली। एक फार्मर जानता है कि उसकी फसल के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल हैं, ज़रूरी हैं, क्रूशियल हैं, और वही वो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में ऐड करता है जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। मोस्ट क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन। बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी भी होती हैं जो जिनमें नाइट्रोजन की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन्स को फॉर्म करने के लिए। जैसे आफ्टर द क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड, जब वो क्रॉप आफ्टर द क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड, जब वो क्रॉप हार्वेस्ट कर ली जाती है, द सॉइल बिकम्स डेफिशियंट इन नाइट्रोजन। मतलब जब एक क्रॉप है हमारे पास जिसको अपनी नरिशमेंट के लिए, ग्रो कराने के लिए हमें नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए, तो जब हम उस क्रॉप को ग्रो कराते हैं सॉइल में, तो सॉइल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी आ जाती है। यू हैव ऑलरेडी रीड दैट बैक्टीरिया, जैसा कि आपने पहले पढ़ाई की, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है इसकी सोल्यूबल फॉर्म दैट प्लांट कैन एब्जॉर्ब, वो सोल्यूबल फॉर्म जिसको प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, राइजोबियम अपना खुद से फूड नहीं बना सकता। राइजोबियम क्या है बेटा, ब्रेड मोल्ड है, फंगस है ब्रेड पर लगने वाला, इज देयर फोर लिव्स इन द रूट ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट लाइक ग्राम पीज मूंग वेयर इट गेट फूड एंड शेल्टर। जो राइजोबियम है वो एक फंगस है, और वो कहाँ, ये कहाँ ग्रो करती है, लेग्यूमिनस जितने भी दाल वाले प्लांट हैं आपके उनकी रूट्स में, जैसे कि ग्राम हो गया, चना हो गया, पीज हो गया, मूंग दाल हो गया, तो वेयर इट इज़।